सो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे पोको X6 प्रो चाइना वेरिएंट के लिए एक न्यू अपडेट सितंबर सिक्योरिटी पैच के साथ बेटा टेस्टर्स के लिए रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट अभी 1.0.17.0 का चल रहा था, जिसमें आपको न्यू स्टार्टअप एनिमेशन, फ्लोटिंग विंडोज, होम स्क्रीन, विजिट्स, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, क्रॉस डिवाइस इंटेलिजेंट कनेक्शन, लॉक स्क्रीन, क्लॉक, कैलकुलेटर, स्क्रीन टाइम सेटिंग, सिक्योरिटी, स्टेटस बार, नोटिफिकेशन शेड में ये सारे चेंजेस मिल जाते थे। और इस वाले अपडेट में आपको अगस्त के मंथ का सिक्योरिटी पैच मिलता था, क्योंकि ये वाला अपडेट अगस्त के मंथ में ही रिलीज़ किया गया था। और अब यहाँ पे Xiaomi ने आज के दिन एक न्यू वर्ज़न बेटा टेस्टर्स के लिए ऑफिशियली रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है। 1.0.18.0 UNL CNXM के स्टेबल बिल्ड में Redmi K70E Poco X6 Pro चाइना वेरिएंट के लिए। और इस अपडेट का चेंज लॉग आपको सितंबर का सिक्योरिटी पैच आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। और इसी के साथ इसमें फिक्स्ड द इशू ऑफ सम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन क्रैशिंग, ये आपको 1.0.17.0 में देखने के लिए मिल गया था, लेकिन इस वाले बग को 1.0.18.0 में सक्सेसफुली फिक्स कर दिया गया है। 102 MB के साइज़ में ये स्टेबल अपडेट हमारा रोल्ड आउट हो चुका है बेटा टेस्टर्स के लिए। और ये आपको सितंबर सिक्योरिटी पैच के साथ और कुछ मल्टीपल चेंजेस के साथ, ऑप्टिमाइजेशन के साथ देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि फिक्स्ड इशू ऑफ सम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन क्रैशिंग। और इसी के साथ इसमें आपको कुछ अपडेटेड एनिमेशंस के सपोर्ट भी देखने के लिए मिल जाते हैं। सो ये वाला अपडेट आपका फुली ऑप्टिमाइज्ड यहाँ पे हो चुका है। और इसी के साथ HyperOS 2.0 Android 15 बेटा टेस्टिंग में यहाँ पे चल रहा है, जैसे कि इंटरनल स्टेबल अपडेट इसका यहाँ पे ऑलरेडी स्पॉटेड हो चुका है HyperOS 2.0 बेस्ड पे। सो अब आप सभी को यहाँ पे अक्टूबर का वेट करना है। अक्टूबर के एंड में Redmi K70 सीरीज़ के लिए HyperOS 2.0 को भी यहाँ पे रिलीज़ किया जा सकता है स्टेबल में एट दी टाइम ऑफ लॉन्च इवेंट, और उनमें आपको Redmi K70E का भी नाम देखने के लिए मिल जाएगा। सो क्या आप यहाँ पे Redmi K70 एंड Poco X6 Pro HyperOS 2.0 के लिए एक्साइटेड हैं? कमेंट नाउ एंड सब्सक्राइब नाउ।